फ्रेंड्स, आज मैं आपको पंच कार्ड निटिंग मशीन में इस कार्ड की हेल्प से डिजाइनर डबल बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले आपको जितने फंदे लेने हैं आप उस हिसाब से ले लीजिए। और स्टार्टिंग में जब हम फंदे डालते हैं तो कैरिज का नंबर मैंने 8 पे सेट किया हुआ है। और अपना अब हम धागा लेंगे और धागे को हम लगा देंगे इस तरह से, धागे को पकड़े रहेंगे और उसके बाद इस तरह से हम चलाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अपना वेट और हुक लगा देना है। इसके बाद अब हम जो पीछे वाले निडल है उन सबको हम आगे की साइड कर लेंगे। और जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना है आप उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 40 सिलाइयों का बॉर्डर बनाऊंगी, डबल बॉर्डर बनेगा। तो यानी कि 20 सिलाइयाँ मेरी नीचे की साइड और 20 सिलाइयाँ ऊपर की साइड बनेंगी। तो इस तरह से अब हम इसको जिस पे हमें बॉर्डर बनाना है, कैरिज का नंबर अब मैं 6 नंबर पे मैंने इसको सेट कर दिया और 20 सिलाइयाँ प्लेन चलाऊंगी। 20 सिलाइयाँ मैंने प्लेन चला ली है। उसके बाद हम अपना कार्ड लेंगे और कार्ड को इस तरह से सेट करना है कि जो एरो है हमारा ग्रीन वाला वो नीचे की साइड होना चाहिए। और इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। उसके यहाँ पे हमने इसको कार्ड को सेट कर दिया, वाला बटन पुश करेंगे और इसको रोटेट करते हुए हम एक नंबर पर सेट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने 1 नंबर पे सेट कर दिया और लाइन हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी नोब है ये हमारी ऊपर की साइड है, अब इसको हम इस तरह से यहाँ पे 2 नंबर पर हमने इसको सेट कर दिया। उसके बाद हम अपना कैरेज चलाएंगे। तो जो निडल है हमारी कार्ड के हिसाब से सेट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कलर का अपना धागा लेंगे, उसको लगाएंगे। और जो हमारा दूसरे कलर का धागा होता है वो यहाँ पर लगता है, उसमें यहाँ पे खोलने की इसको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया, इसको हम हाथ में पकड़े रहेंगे। अब हमें डिजाइन डालनी है तो इसको हमने 7 नंबर पर सेट कर दिया जो कैरेज का नंबर है। और बीच वाला बटन जो है उसको हम दबा देंगे तो ये हमारा इससे डिजाइन बनेगी। उसके बाद अब हम 20 सिलाइयाँ लगाएंगे और धागे को हमें तब तक पकड़ना है जब तक ये इसमें निडल में ना फंस जाए। तो इस तरह से ये निडल में देखिए फंस गया है। तो अब हमारी 20 सिलाइयाँ हमें कंप्लीट करनी, 1 सिलाई हो गई है मेरी। तो अब ये 20 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें कैरिज को उसी पोजीशन पे करना है जैसे हमारा पहले था। तो नोब को मैं ऊपर की साइड कर दूंगी क्योंकि हमें कार्ड का यूज़ नहीं करना है। अब ये वाला बटन हम दबाएंगे तो ये हमारा बटन बाहर आ जाएगा। तो ग्रीन वाला बटन इस तरह से हमने पुश कर दिया तो ये हमारा जैसे पहले पोजिशन थी कार्ड की उसी हिसाब से हो गई है। अब इस धागे का हमारा काम ख़त्म हो गया है तो इस धागे को मैं निकाल दूँगी। धागा निकाल दिए, इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। अब ये जो निडल है इनको हम पीछे की साइड करके अब इसमें हम फंदे डाल देंगे क्योंकि 20 सिलाइयाँ मेरी नीचे चली थी और 20 सिलाइयाँ हमारी ऊपर चली थी। तो फंदे आपको वैसे ही डालने हैं जैसे मैंने बताया हुआ है कि एक एक निडल छोड़ छोड़ के। तो ये देखिए पहले हम इसमें डालेंगे उसके बाद हम एक निडल छोड़ देंगे, इसके बाद फंदे डालेंगे। तो ये जो 8 नंबर पे मैंने इसलिए सेट किया था कि ये होल्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और फंदे हमारे गिरते नहीं हैं, आसानी से डल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले 8 नंबर पे सेट किया था। उसके बाद फिर आप जिस हिसाब से बॉर्डर बनाए उस हिसाब से सेट करें। तो इस तरह सारे फंदे डालकर फिर आपको दिखाती हूँ। सारे फंदे डाल दिए हैं, अब हम अपना यहाँ पर रॉड लगा देंगे और धागा अगर आपका खींच रहा है तो इस तरह से हम इसको खींच देंगे तो इससे बॉर्डर एकदम से सेट होकर आ जाता है। निडल सारी आगे की साइड कर लेती हूँ जिससे जब हम स्वेटर बनाएंगे तो ये फंसे ना। इस तरह से आप जिस पे आपको स्वेटर बनाना है उस हिसाब से आप नंबर सेट कर देंगे। 9 नंबर पे मैंने इसको सेट कर दिया है। और उसके बाद जो है अब हम थोड़ी सी प्लेन सिलाइयाँ चला करके फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये हमारा कार्ड यहाँ पे चला नहीं क्योंकि हमने कैरेज को वापस से इसी पोजीशन पे सेट कर दिया जैसे पहले थे। तो प्लेन सिलाई चला करके फिर कलर से आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये आपका बॉर्डर बनकर तैयार है। तो
प्लेन सिलाइयाँ चल गई हैं, और इस तरह से ये हमारा बॉर्डर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बॉर्डर बनकर आएगा, इस तरह से बॉर्डर बना है। ये आगे से हमारा इस तरह से दिखेगा, और बैक साइड से हमारा ये इस तरह से दिखेगा जो हमने प्लेन सिलाइयाँ चलाई थी। तो इस तरह से बॉर्डर बनकर तैयार हो गया। थैंक यू।